गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस वेलकम टू ऑनलाइन क्लास आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट्स जो कि चैप्टर फ़ोर का रह गया था कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार यू कैन यूज़ द कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार मेनू टू ऐड और रिमूव द आइकन कन अपीयरिंग ऑन द टूल बार हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं इस टूल बार के मेनू का यूज़ इसलिए करते हैं कोई भी चीज़ हमें ऐड या रिमूव करनी होती है तो इसका हम यूज़ करते हैं ठीक है जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया है ऐड एंड रिमूव अगर आप इस मेनू में कुछ भी ऐड यहाँ करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं एंड नीचे ऑप्शन पे दिया है रिमूव थोड़ा सा ब्लर दिया है रिमूव ऐड और रिमूव दोनों का ऑप्शन है अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ आपको रिमूव या ऐड करनी है तो आप यहाँ से करके ओके okay कर सकते हो इंसर्टिंग टेक्स्ट इंसर्टिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे टैक्स कैन भी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट एट एनी पॉइंट यूजिंग बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस मैथड हम टेक्स को इंसर्ट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में ये सारे पॉइंट्स से सारे मेथड को फॉलो करेंगे टाइप टेक्स टाइप करेंगे टेक्स्ट लिखेंगे पुट योर कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू एड द टेक्स एंड बेगिन टाइपिंग हम अपने कर्सर को वहाँ ले जाएंगे और लिखेंगे जहाँ हमें टाइप करना है ठीक है वहाँ अपने कर्सर को हम ले आ करके के क्लिक करेंगे फिर वहाँ से टेक्स्ट राइट करना स्टार्ट करेंगे कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू कॉपी सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए फिर उसको राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट कॉपी <coughs> राइट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट कॉपी का ऑप्शन आएगा प्लीज़ योर कर्सर व्हेन यू वांट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट फिर हम अपने कर्सर को वहाँ ले जाएंगे जहाँ हम अपने टेक्स्ट को लिखे हुए चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट फिर वहाँ पे ले जाके कर्सर को हम राइट right क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे कट एंड पेस्ट टेक्स्ट कट एंड पेस्ट टेक्स्ट करना होगा तो सेलेक्ट द टेक्स्ट विस्ट टू कट सेलेक्ट द टेक्स्ट उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कट करने के लिए राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट कट राइट क्लिक करेंगे कट पर uh, प्लेस योर कर्सर वेयर यू वॉन्ट द टेक्स्ट इन द डोमेंट अपने कर्सर को उस प्लेस पर ले जाएंगे जहाँ हमें डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को रखना है लिखना है जहाँ हमें वो टेक्स्ट चाहिए राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट और फिर राइट क्लिक करेंगे वहाँ ले जाके कर्सर को और पेस्ट कर देंगे वहाँ पर वह आपका टैक्सट आ जाएगा ड्रैक ड्रैक टेक्स्ट सेलेक्ट द टैक्सट यू विस्ट टू मूव अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट को मूव करा सके एक प्लेस या अदर प्लेस पर ला सके तो क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट टू द प्लेस वेयर यू वांट द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट उसके लिए हम क्लिक ऑन द ड्रैग ड्रैग पे क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह जहां आप चाहते हो वहां पे ड्रैग करके उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट को ला कर वहाँ पर सेट कर सकते हो इंसर्ट टैब इंसर्ट टैप द इंसर्ट टैब इन द एम एस वर्ड लेट यू इंसर्ट मैनी इंसर्टिंग थिंग इन योर डॉक्यूमेंट इंसर्ट टैब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसर्टिंग थिंग होती हैं इन योर डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ही यूजफुल चीज़ें होती हैं जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हो यू कैन एड टैक्स बॉक्सेस टैक्स बॉक्सेस होते ऐड कर सकते हो वर्ड आर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट शेप इसमार्ट एंड एंड मैनी मोर थिंग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्सेस वर्ड आर्ट हैं पिक्चर है क्लिप आर्ट है शेप्स है, है अलग अलग तरह के शेप्स हैं स्मार्ट आर्ट है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब का ऑप्शन यहाँ पे दिया है देख रहे हो आप यहाँ इंसर्ट टैब लिखा है इसमें जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी इंसर्टिंग वर्ड आर्ट इंसर्टिंग वर्ड आर्ट क्या होता है वर्ड आर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रेडीमेड इफ़ेक्ट ये एक तरह से रेडीमेड इफेक्ट होता है जो भी आप वर्ड आर्ट पे लिखोगे अगर इसे सलाह करके लिखोगे तो उसका रेडीमेड इफेक्ट पड़ेगा वर्ड आर्ट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू ऐड मोर इम्पैक्ट टू द टेक्स्ट अगर आप अपने टेक्स्ट को मोर इम्पैक्ट और भी ज़्यादा अच्छा या फिर डिज़ाइन देना चाहते हो तो इस वर्ड आर्ट से लिखा जाता है टेक्स्ट ठीक है विथ वर्ड आर्ट यू कैन गिव डिफरेंट स्टाइल ये आपको टेक्स्ट का जो भी लिखोगे आपको इसका डिफरेंट स्टाइल देगा कलर स्कीम सेप्स एंड स्पेशल इफेक्ट टू योर टैक्सट आपके लिखे हुई चीज़ को कलर देगा शेप देगा स्पेशल इफेक्ट देगा स्टाइल देगा ठीक है वर्ड आर्ट से अगर आप कोई भी चीज़ या टेक्स्ट लिखोगे तो इंसर्टिंग अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इंसर्टिंग अट्रैक्टिव इन योर टेक्सट इन योर डॉक्यूमेंट इसे ओपन करने के लिए क्या करेंगे क्लिक इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे फिर वर्ड आर्ट पे जाएंगे वर्ड आर्ट क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट फिर सेलेक्ट अ वर्ड आर्ट स्टाइल फ्रॉम द वर्ड आर्ट गैलरी फिर हम वर्ड आर्ट स्टाइल से वर्ड आर्ट गैलरी में जाएंगे और वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे देखिए वर्ड आर्ट है ये येलो कलर का इसमें ये सारे टेक्स के स्टाइल्स दिए गए हैं ठीक है इसमें से आप कोई भी चूज़ करोगे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे तो उस डिज़ाइन में आपके टेक्स्ट लिखने लगेंगे कोई भी एक सेलेक्ट कर लोगे आप एक भी जैसे ये सेलेक्ट करोगे तो इस डिज़ाइन में आपका टेक्स्ट लिखने लगेगा ठीक है जो भी आप टाइप करोगे ए टेक्स्ट बॉक्स अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट ए टेक्स्ट बॉक्स अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट के पास टेक्स्ट टाइप द टेक्स्ट एंड क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के आउटसाइड टाइप द टेक्स्ट एंड क्लिक आउटसाइड हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में द टेक्स्ट अपीयर इन द वर्ड आर्ट स्टाइल यू हैव चूजन तो ये इसमें जब आप लिखोगे तो जो भी आप इस चीज़ में लिखोगे जो आप सेलेक्ट किए रहोगे वर्ड आर्ट से जो भी स्टाइल उस स्टाइल में टेक्स्ट लिखने लगेगा आप अपना नाम यहाँ लिखोगे तो आपका नाम भी उस स्टाइल में उस कलर में लिखने लगेगा क्लिकिंग इन साइड द वर्ड आर्ट बॉक्स लेट्स यू एडिट द टेक्स्ट अगर हम इसके अंदर क्लिक uh, करते हैं वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडिट द टेक्स्ट अगर हमको कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है तो कैन यू सी द ड्राॅइंग टूल क्या आपको ड्राॅइंग टूल इसमें दिख रहा है हाँ यहाँ पर है ध्यान से देखिएगा विच हैव अपीयर ऑन द रिबन जो कि रिबन में है आपको रिबन में शो कर रहा है यू कैन यूज़ दिस टूल बार टू अप्लाई इफेक्ट ऑन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट इस इस टूल बार का हम अप्लाई किस लिए करते हैं मोर इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए वर्ड आर्ट टेक्स्ट से जो भी हम लिखे हैं उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाने के लिए ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं चेंजिंग द वर्ड आर टेक्स्ट हमको अगर वर्ड आर चेंज करना है वर्ड आर टेक्स्ट को चेंज करना है तो क्या करेंगे टाइप द टेक्स्ट यू वांट वो हम कोई भी टेक्स्ट टाइप uh, कर लेंगे जो हम चाहते हैं चेंज द फॉन्ट टाइप और उसका हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे फॉन्ट कहाँ से चेंज करेंगे साइज़ यहाँ से यहाँ पर सारी सारी दी हुई हैं जो साइज़ आप चूज़ करोगे वो साइज़ में आपके वर्ड आपके टेक्स्ट हो जाएंगे ठीक है साइज़ और स्टाइल एंड क्लिक एंड क्लिक आउटसाइड द बॉक्स टू कम्प्लीट एडिटिंग और जब आप फ्रंट uh, साइज में साइज सेलेक्ट कर लोगे और स्टाइल सेलेक्ट कर लोगे क्लिक आउटसाइड और फिर उसके बाद यहाँ आउटसाइड बाहर क्लिक करोगे बॉक्स में तो वो आपका जो भी एडिटिंग या साइज़ बढ़ाना है या घटाना है वो पूरा कम्प्लीट करना है जैसा ये आप सेलेक्ट किए रहोगे वैसा आ जाएगा ठीक है साइज़ और इस्टाइल चेंजिंग द वर्ड आर्ट स्टाइल अगर आपको चेंजिंग द वर्ड आर्ट इस्टाइल चेंज करना है तो आप क्या करोगे डबल क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे ठीक है द फॉर्मेट टैब गेट एज एक्टिवेटेड जो फॉर्मेट टैब है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा ऑन हो जाएगा क्लिक द क्विक स्टाइल एरो हम क्विक स्टाइल एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टू सी द डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखेंगे ए अलग अलग स्टाइल में अलग अलग कलर में ए लिखा हुआ है ये डिफरेंट स्टाइल है टेक्स्ट लिखने का फिर सेलेक्ट द स्टाइल अगर आप कोई भी स्टाइल इसमें से सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका टेक्स्ट वैसा ही लिखेगा ठीक है जैसा आप टाइप करोगे तो जो आप सेलेक्ट किए रहोगे कोई भी स्टाइल तो आपका टेक्स्ट वैसा ही लिखाया जाएगा फॉर्मेटिंग द वर्ड आर टेक्स्ट वर्ड आर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना हो तो क्या करेंगे टू चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट अगर आपको आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्लिक द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट इट हम वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे ठीक है उसे सेलेक्ट करेंगे क्लिक द फॉर्मेट टैब फॉर्मेट टैब में जाएंगे फिर वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में स्टाइल ग्रुप को क्लिक करेंगे फिर टेक्स्ट फिल एर सेलेक्ट अ कलर फिर सेलेक्ट ए कलर कर देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा टू चेंज द टेक्स्ट आउटलाइन हमको अगर आउटलाइन का टेक्स्ट चेंज करना है टेक्स्ट का आउटलाइन जो बॉर्डर होता है उसे चेंज करना हो तो क्या करेंगे क्लिक ऑन फॉर्मेट पहले हम फॉर्मेट पे जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे फिर टेक्स्ट आउटलाइन एरो टेक्स्ट आउटलाइन एरो पे जाएंगे ठीक है फिर सेलेक्ट अ कलर फॉर द आउटलाइन फिर आउटलाइन के लिए कलर फिर सेलेक्ट uh, कर लेंगे कलर सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद उस कलर में वो आ जाएगा आपका जैसे आपने यहाँ येल्लो नो आउटलाइन दिया है यहाँ पर आउटलाइन करके अगर आप येल्लो सेलेक्ट uh, कर लोगे तो आपका येलो हो जाएगा ठीक है टेक्स्ट ऑनलाइन फिर बॉर्डर कर लोगे तो इसका जो है आउटलाइनिंग आ जाएगी इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्टिंग कैसे करेंगे ए टेक्स्ट बॉक्स इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट लेट्स यू राइट एनी टेक्स्ट एनी वेयर इन अ डॉक्यूमेंट ए टेक्स्ट बॉक्स इज़ एन ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप राइट टेक्स्ट एनी वेयर कोई भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लिख सकते हो एनी वेर इन डॉक्यूमेंट इसमें आप कहीं भी डॉक्यूमेंट के बारे में लिख सकते हो क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स एरो पे क्लिक करोगे फिर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स फिर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ये है इस पर क्लिक करोगे क्लिक बॉक्स क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट आप इस बॉक्स के अंदर कर्सर ले जाओगे और फिर इस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो टेक्स्ट में ठीक है जैसे कि यहाँ पे दिखाया है आपको क्लिक इंसर्ट टैब आप पहले इंसर्ट में जाओगे फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे फिर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे उसके बाद ये जो है आपका ओपन होकर आ जाएगा ये बॉक्स जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स अपीय ये जो बॉक्स आपका यहाँ पे शो कर रहा है यू कैन कॉपी डिलीट मूव एंड एडिट दिस बॉक्स आप इस बॉक्स को कॉपी भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो मूव भी कर सकते हो एंड एडिट भी कर सकते हो इस बॉक्स में से कोई भी चीज़ आपको एडिटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इंसर्टिंग क्लिप आर्ट क्या होता है यू कैन ऐड इमेज टू योर डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड uh, इमेज करना है अपने डॉक्यूमेंट में यूजिंग द क्लिप आर्ट फीचर्स क्लिप आर्ट के फीचर्स से ठीक है क्लिप आर्ट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ इट आउन सेट ऑफ पिक्चर ऑन क्लिप आर्ट गैलरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या अपने पास रखा रहता है पिक्चर्स रखा रहता है क्लिप आर्ट में अपने गैलरी में सेव करके क्लिप आर्ट गैलरी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें ढेर सारी पिक्चर अपने पिक्चर्स को सेट बना के अपने फ्लिपकारट में रखी रहती है गैलरी में द पिक्चर आर ऑर्गेनाइज इन टू द डिफरेंट कैटेगरीज और वो जो पिक्चर है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई रहती है दिस मेक टू इजियर टू सर्च द पिक्चर यू नीड ये इसलिए बांटा गया रहता है क्योंकि आपको उस पिक्चर्स को ढूंढने में आसानी हो ठीक है जिस पिक्चर को आपको ज़रूरत है आप उस पिक्चर्स को ढूंढ सको आसानी से टू एड अ क्लिप आर्ट इमेज डू द फॉलोइंग अगर आपको फ्लिप आर्ट इमेज को ऐड करना है तो आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब पर पहले जाएँगे फिर क्लिप आर्ट पर जाएंगे इंसर्ट टैब फिर क्लिप आर्ट द क्लिप आर्ट टास्क पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो क्लिप आर्ट टास्क पैनल दिखेगा आपको कहाँ दिखेगा कहाँ अपियर होगा राइट साइड ऑफ द विंडो विंडो के राइट right साइड में ठीक है क्लिप आर्ट ये रहा आपका फिर ये आपको ओपन हो के आएगा विंडो के राइट साइड में कहाँ पर राइट साइड में इन द इन द सर्च फॉर टेक्सट बॉक्स टाइप अ वर्ड और फ्रेज एंड डिस्क्राइब द क्लिप यू वॉन्ट वॉन्ट और टाइप इन ऑल और सम पार्ट ऑफ द फाइल नेम ऑफ द क्लिप इन द सर्च फॉर अगर आप सर्च करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स टाइप अ वर्ड और फ्रेज द दैट डिस्क्राइब ये सारी चीज़ डिस्क्राइब द क्लिप डिस्क्राइब्स द क्लिप यू वॉन्ट टू टाइप इन ऑल सम पार्ट ऑफ़ द फाइल नेम ऑफ द क्लिप इसमें बहुत सारे फाइल्स नेम रहते हैं और उनकी क्लिप रहते हैं आप देखोगे तो उसको अच्छे से फिर हम जाएँगे कहाँ पर क्लिक गो गो पर क्लिक करेंगे वेरियस क्लिप विल अपीयर बहुत सारे क्लिप हमें शो करने लगेंगे दिखने लगेंगे ठीक है क्लिक ऑन द क्लिप इंसर्ट क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द क्लिप इंसर्ट इन क्लिप टू इंसर्ट इन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपका ओपन हो करके इंसर्ट जो है आपने सेलेक्ट किया है इसे आप साइज़ को बढ़ा भी सकते हो स्मॉल भी कर सकते हो इसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्राम फाइल इंसर्ट इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्राम अ फाइल फ़ाइल से अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे यू कैन आल्सो इंसर्ट इमेज स्टोर इन योर कंप्यूटर आप जानते हो कि बहुत सारे इमेज स्टोर रहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में तो इंसर्ट पिक्चर फॉलो दिज स्टेप और अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है तो इस सारे स्टेप uh, को यूज़ करना पड़ेगा क्लिक द लोकेशन इन द वॉन्ट इन द डॉक्यूमेंट यू वॉन्ट टू इंसर्ट द पिक्चर क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट द इंसर्ट पिक्चर जहाँ आप पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हो पिक्चर को लाना चाहते हो क्लिक इंसर्ट टैब हम पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे फिर इंसर्ट यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे ये सबसे ऊपर वाई लाइन में फिर पिक्चर पिक्चर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल फिर पिक्चर पे क्लिक करेंगे इस पिक्चर पे फिर आपको ये इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ओपन होके आएगा इस पर क्लिक करेंगे लोकेट द पिक्चर द विंडो एंड डबल क्लिक टू इट टू इंसर्ट इट अब बहुत सारी पिक्चर ओपन होके आएंगे ठीक है जो भी आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी उसे डबल क्लिक करके इंसर्ट कराएंगे द पिक्चर इज इंटरेस्टेड इन टू द डॉक्यूमेंट इंसर्ट डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट पे आपको पिक्चर इंसर्टेड करानी है वो डॉक्यूमेंट आपका वो पिक्चर आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट किया और जो भी डॉक्यूमेंट पे आपको पिक्चर इंसर्ट करानी है वहाँ पे आ जाएगा ठीक है इस तरह से हम डॉक्यूमेंट के साथ पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं